हेलो भाइयों, जैसा कि मैंने टाइम दिया था आप लोगों को, मैं ब्रह्मदत्त, और मैंने आप लोगों को टाइम दिया था कि 10:30 बजे हम लाइव आएंगे। बहुत हो गया रोना पिटाना, बहुत हो गया कोर्ट कचहरी। आज कुछ मस्ती कर ली जाए, कुछ मस्ती की बातें कर ली जाए, और बेहतर भी है क्योंकि अभी कोर्ट कचहरी सारी सब बंद चल रही है। अभी कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बाकी का जो चल रहा है वो चलता रहेगा। हाँ अंकित भाई, कैसे हैं? मैं जो भी काम करता हूँ, मेरा एक सबसे बड़ा सिद्धांत, तो सबसे बड़ा एक फंडा है कि मैं जो भी काम करता हूँ और जिसके खिलाफ़ करता हूँ, तो मैं उसको ज़रूर कुछ उसको ज़रूर ही उसको अवगत कराता हूँ कि भाई मैं ये काम करने वाला हूँ। अपना जवाब ढूंढ सको तो ढूंढ लो। सच मैंने अबला को भी दे दिए हैं, सब कुछ है। हवा ख़राब है उसकी, सोचने समझने की क्षमता नहीं रही है उसके अंदर। और आज आपके सामने है ये जो पेज है, वो मेरा पूरा का पूरा परिवार है। और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता कि आप लोगों से कुछ अलग हो, आप लोगों से कुछ हटके हो। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ें और नई ज़िंदगी शुरू करें। जो चल रहा है वो चलता रहेगा, और ज़रूरी भी है। हम लोगों का जो करियर बनाने का जो समय होता है, वो मैक्सिमम मैक्सिमम 25 या 30 साल के बीच में होता है, और उसी पीरियड में हमारा शादी हो जाती है, और शादी के जस्ट 1, 2, 3, 4 साल में ये डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमारा सारा का सारा बैलेंस ख़राब हो जाता है, सारी सारी। और ऐसा कोई बंदा नहीं है कि अपनी 25 और 30 साल की उम्र में कोई करोड़पति बन जाए, खुद की मेहनत से बन जाए। तो ये चीज़ भी आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि सब एक समय होता है, और समय के अनुसार ही साजिश चलती हैं। और जो लोग ढूंढती हैं कि नहीं, हमें पति हमारा करोड़पति होना चाहिए, तो उन बेवकूफ़ों के लिए मैं एक बात बता दूं कि जिस समय सीमा के अंदर आप शादी कर रहे हैं, उस समय सीमा के अंदर ना कोई करोड़पति इतनी आसानी से नहीं बन सकता। जो ख्वाब हैं उनको आगे सजोया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, और आगे पूरा भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे करियर बनाने की जो स्टेज है, उसी स्टेज पे आप इतने मुकदमे लगा दें, झूठे मुकदमे लगा दें, इससे कि अपना तो जीवन आप नरक कर ही रहे हैं, दूसरे का भी। इसलिए मेरा सब लोगों से कहना है कि आप लोग उठो और नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। कैसे भी करो, कानून सबके लिए बराबर है। जब तक आप नहीं लड़ पा रहे हैं, जब तक आप लड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तब तक आपको यही लगेगा कि हम पे महिला कानून भारी है। हाँ अंकित भाई कैसे हैं, अनवर भाई कैसे हैं, राजकुमार भाई कैसे हैं, राजेश भाई कैसे हैं? बस माता रानी की कृपा से हम ठीक ठाक हैं। और थोड़ा बहुत पेन इन वगैरह होता है, तो हमारे यहाँ लॉकडाउन क्या कि रेड जोन एरिया में आ गया है। इस वजह से क्या कि जो हमें इंजेक्शन डेली लगवाने जाना पड़ता था, वो हम एक दिन छोड़ के अब लगवा रहे हैं। हालांकि मैंने पुलिस को बता दी है ये बात कि मुझे इंजेक्शन लगवाने के लिए जाना पड़ता है, डेली जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, पूरा दिन खिंच जाता है उससे। और जब आगे कोई स्थिति ठीक ठाक होगी तब आगे देखेंगे, चेकअप वेकअप कराएंगे या जो भी है। खैर जब जब मैंने माता रानी का नाम लिया है और जब जब मैंने दिल से पुकारा है, हमेशा मेरा कहीं ना कहीं कोई ना कोई भगवान के रूप में मेरे साथ में आया है और मेरी मदद की है, और आप लोगों के सामने हैं, निस्वार्थ हैं, ईमानदारी से हैं। तो माता रानी का जाप करते रहिए, आपको सफलता मिलती रहेगी। हमारे साथ ही करते रहिए, और चलता रहेगा, जो चल रहा है चलता रहेगा, और आगे बढ़िए। जब आप कोर्ट में जाए ना, तो कोर्ट की चीज़ें ना कोर्ट पे ही भूल जाओ। कोर्ट के गेट से बाहर निकलने के बाद में ना अपनी लाइफ जैसे जीना है आप जियो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन जब कोर्ट के अंदर है ना, तो फिर कोर्ट का ही सोचो, अपना सोचो, अपने परिवार का सोचो। कोर्ट के बाहर जब आप मेरा मैं जब अपनी पिछली पहली कंपनी में जब था, तो हमारा क्या था कि जितनी देर हम कंपनी के अंदर रहते थे ना, तो सिर्फ हम कंपनी के बारे में ही सोचते थे। दिल लगा के काम करते थे, मेहनत से काम करते थे, पसीना छोड़ते थे। लेकिन जब कंपनी के बाहर निकलते थे ना, तो सारी चीज़ें भूल जाते थे कि हाँ क्या कंपनी का फ़ायदा है, क्या लॉस है, क्या चीज़ें हैं।
इसी तरीके से जो आप एक डेली रूटीन अपनी जॉब में जाते हैं ना, जब तक आप काम करते हैं तब तक आपको याद रहता है, उसके बाद में चलो ठीक है अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं, अपनी मौज मस्ती करते हैं, घर में परिवार के साथ में रहते हैं। उसी तरीके से कोर्ट कचहरी को भी लीजिए, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी है ना, आप कितना लड़ेंगे, कहाँ तक जाएंगे, नीचे ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ये चलती रहेगी, ये लड़ाई लंबी चलेगी, है ना। लड़ते रहिए, मज़े के तौर पर लड़ते रहिए और अच्छे से लड़िए, लेकिन जब आप कोर्ट के गेट से बाहर निकलें तो ये सारी चीज़ों को ना अपने दिलो दिमाग से निकाल देना है, भूल जाना है। बाकी अपने काम करते रहिए, जो काम है वो करते रहिए, जो आपके बचाव के लिए जो भी काम है वो करते रहिए, लेकिन उसको अपने माइंड पे अपने दिलो दिमाग के हावी मत होने दीजिए। क्योंकि अगर ये चीज़ें अगर हावी होगी ना, और आप कभी अकेले में बैठे और आप तो सोचने लग गए कि क्या ज़िंदगी नहीं, आपकी ज़िंदगी फिर से दोबारा लौटेगी फिर से दोबारा लौटेगी, पहले से बेहतर होगी, अच्छी होगी। और एक चीज़ बता दूँ आपको कि अगर आप अपनी पहली वाली बीवी से लड़ गए और आपने अगर झूठ को अगर बेनकाब कर दिया, तो मेरे भाई मैं आपको ये चीज़ 100% प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि अगर आप 10 शादियाँ भी कर लेना ना, तब भी आपका कुछ बाल बांका होने वाला नहीं है, क्योंकि दूसरी जो आएगी ना वो इस चीज़ सोचेगी ज़रूर, बशर्ते आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपने परिवार को सुरक्षित रखना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि अपने माइंड को है ना वो संतुलित रखना पड़ेगा, अच्छे से आपको डिफेंड करना है। देखो जो मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि जो भाई जो कानून जिस तरीके से मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन पर झेला है, उस तरीके से मैं एक चीज़ तो बोल सकता हूँ कि सिर्फ ये डर का व्यापार है, और इनका मेन इंटेंशन यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फंसाओ, इनमें डर कायम हो, तो ये इनकी मनमर्जी करें। मैंने अपना वीडियो भी डाला है, मैंने अपनी फ़ोटो भी डाली है, और चैलेंज के साथ मैंने डाली है, और वो चाहे कोर्ट में दिखा दे या कहीं भी दिखा दे, मुझ पर कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और चाहे कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आ जाएँ, मैं मेंटल तौर पे कभी वीक नहीं हो सकता। मैं अभी 2-3 दिन पहले इसलिए परेशान हुआ था, उसका रीज़न था कि जो मैंने ये जो कानूनी करियर के लिए मैंने जो अपना कदम बढ़ाया था एक करियर बर्बाद होने के बाद, उसमें कुछ लोगों ने मेरा काफ़ी सहयोग दिया था, स्टार्टिंग में काफ़ी सहयोग दिया था उन्होंने मेरा। तो जब किसी के उस पर अगर हम ना गुजर पाएँ तो जाहिर सी बात में देखो ये हो गई सेवा, सेवा करने आई है, चाय लेके आई है, शाबाश वेरी गुड, चलो निकल लो, पानी बंद कर दो जरा, इधर इधर से पहले बंद कर दो, उधर से कूलर बंद कर देना पहले, है ना। तो मेन चीज़ ये है ना कि आप अपने अंदर से डर निकालिए। मैं जैसे अभी कुछ दिनों से देख रहा हूँ काफ़ी लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, तो यार काफ़ी लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं तो बोलते हैं कि अरे इसमें ये हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा यार, कुछ कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ चटकारी भी है ना, वो सरकारी आदमी है, वो गलत करेगा तो उसके लिए भी आईपीसी में कानून है, बहुत सारे कानून हैं, उसको लपेटना बहुत आसान है, ठीक है। वो चाहे कितना भी अपने आप को तुर्रम खां समझ रहा हो, पुलिस वाला है तो क्या किसी को गलत फंसाएगा, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा क्या। मैंने तो जाने कितने लपेट दिए और लपेटेंगे, और वो भी आपके सामने आएगा। जो लोग जो भाई आगरा ज़िले से हैं और व्यक्तिगत अगर हमसे मिलना चाहते हैं, तो लॉकडाउन के बाद में हमसे मिलते रहें, उनको हमारी सच्चाई पता चल जाएगी कि जिस बंदे के हाथ में 1 रुपये नहीं था, जो सिगरेट पीने का आदि था, उसने किस तरीके से ये लड़ाई लड़ी है। घर परिवार नाते रिश्तेदार कोई संग नहीं दिया हमारा, लेकिन एक उम्मीद थी, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग में ये चीज़ थी कि किसी तरीके से मैं जब कोर्ट में जाता हूँ ना तो मैं पूरा एंगेज रहता हूँ वहाँ पे, तब मैं किसी भाई का फ़ोन नहीं उठाता हूँ, कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन जब वहाँ से निकल के बाहर आ जाता हूँ ना, अपने घर की तरफ आ जाता हूँ, फिर मुझे घर की टेंशन रहती है, मुझे वहाँ की टेंशन नहीं रहती है,
कोर्ट कचहरी से तो वो वैसे भी नहीं निकल पाएंगे, उनके बाप की औकात नहीं है जो हमसे निकल जाएं। वो चाहे कितने भी वकील मेरे सामने खड़े कर दें, डिफीट खाएंगी ज़रूर, ये तो बात है। अपने केस की बात कर रहा हूँ मैं, और मेरे क्या, मेरे ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं, इसलिए मेरा मतलब मेन इंटेंशन ये है, मैं जो अपने पर्सनल मैटर जो आपको जो बताता हूँ, उसका बताने का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि मेरे भाई आप लोग जो ज़रा ज़रा सी बात पे जो सोचने लगते हो, परेशान होने लगते हो, रात के दो दो ढाई ढाई बजे रोते हो, बड़ा अजीब लगता है मुझे, अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को ना दिमाग पे हावी मत होने दो। आपका भी कराएंगे, घर जोड़े का काम करेंगे हम, और कर ही रहे हैं। अबला कुछ नहीं करेगी, वो सिर्फ उसकी ज़िंदगी है ना कोर्ट तक ही सीमित रह गई है, बाकी अगर कुछ नहीं है। कोई भी कोर्ट आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है, कोई भी कोर्ट एक्ट का वायलेशन नहीं कर सकती है, कोई भी कोर्ट ऑन पेपर लीगल वायलेशन नहीं कर सकती है, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। आप एक से ऊपर एक, एक से ऊपर एक, एक से ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं, आप किस बात की चिंता करते हैं। आप पहले अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, उसके बाद अपनी फैमिली को स्ट्रांग कीजिए, और समझाइए उन्हें, और ज़रूरी भी है समझाना, क्योंकि आप देखेंगे ना, एक घर अपने घर पड़ोस का छोड़ दीजिए ना, हर दूसरे घर में ना ये चीज़ें हैं। मुकेश भाई, ये चीज़ें तो मैं पर्सनल मिलने पर ही बता सकता हूँ, सोशल मीडिया के मार्फत नहीं बता सकता। और मैं आपको अगर सही बात पूछूं तो मुझे, मैं इंश्योर भी नहीं हूँ कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं घर जोड़ने का काम तो एक बार कर सकता हूँ, लेकिन घर तोड़ने का काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं किसी को भी ये सलाह नहीं दूंगा जब तक कि कोई हमसे व्यक्तिगत नहीं मिलेगा। बहुत सारे रास्ते हैं, और घर टूटे घर नहीं बनते हैं मेरे भाई। कोशिश अपनी तरफ से ये पूरी होनी चाहिए कि अगर घर बस जाए, पुराना ही बस जाए तो अच्छी बात है, वरना रास्ते तो बहुत सारे खुले हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो भगवान कहीं ना कहीं से रास्ता खोल देता है। आज ब्रह्मदत्त वीडियो डाल तो रहा है आपके सामने, हमारे ससुर जी थे ना गजेटेड ऑफिसर थे, बहुत बड़े गजेटेड ऑफिसर थे, रिटायरमेंट के बाद में दो दो जिले की पुलिस खरीद ली दामाद को फंसाने के लिए, उसने रिटायरमेंट का पैसा दांव पे लगा दिया। क्या हुआ, हुआ क्या आखिर में, ये किस तरीके का दबाव, किस तरीके की ब्लैकमेलिंग। इसलिए मेरा जो लाइव आने का जो मकसद था ना, और मेरे भाई एक चीज़ मैं आप लोगों से फिर से आग्रह करता हूँ कि मुझे डायरेक्ट कॉल ना कीजिए। देखो, अगर हम आपसे कुछ पैसे ले रहे हैं ना, तो मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मेरे बच्चों का भविष्य का, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, और जैसा जो भी है, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों का भी भविष्य ख़राब हो, और समाज सेवा से बच्चे नहीं पलने वाले। अगर आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे, दोनों जगह पर जब बैलेंस रहेगा ना, तो मज़ा आएगा काम करने में, एक दूसरे की मदद करने में मज़ा आएगा। अभी मैं NGO बना लूँ या ये सब बना लूँ, और मैं बोलूँ फ्री मदद, फ्री मदद, फ्री मदद, और मैं आपको गुमराह करता रहूँ और चार तरीके की बातें बोलूँ, और आपके इस कान से ना पकड़ के ऐसे पीछे से कान पकड़ के रकम निकालूँ, तो क्या आपको अच्छा लगेगा। ऊपर वाला बैठा हुआ है ना, उसके यहाँ कैमरे नहीं है मेरे भाई, ठीक है। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं सामने आप लोगों के हूँ, और सामने आके आप लोगों से अपनी बात कह रहा हूँ, और मदद के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, क्योंकि ये सब जो है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं तो आप ही लोगों की बदौलत हुई हैं, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। शुरुआत में आप लोगों ने हिम्मत दे दी, हम उसी हिम्मत के सहारे आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ गए तो हम फिर चार लोगों के बीच में आने लगे। जब हम चार लोगों के बीच में आने लगे तो फिर आगे कारवा बढ़ता चला गया, इसमें क्या बुराई है।
इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग जो है ना, डिप्रेशन में कभी मत आने देना अपने आप को, कभी परेशान मत होना। और जो हम लोगों की जो स्टेज है ना, जो हम लोगों की एज है, ठीक है, अभी बहुत ज़िंदगी बची है, बहुत ज़िंदगी बची है। चलो आज तो ठीक है, मान लिया आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केस लगा दिया है तो आप इतनी दुखी हैं, कल अगर कोई और बिगड़ैल महिला लगा देती या कोई लड़की लगा देती तब फिर क्या करते हैं आप? तो इसको ना एक लाइफ में एक पार्ट की तरह केस लीजिए, जैसे हम लोग रोज़मर्रा की चीज़ें ना, कि सवेरे खाना खाते हैं, दिन में खाना खाते हैं, शाम को खाते हैं, है ना, ये रोज़मर्रा की चीज़ होगी ना, इस तरीके की इसको रोज़ की मर्रा की चीज़ें लीजिए। प्रेम भाई, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, मैंने अपना यूट्यूब चैनल का लिंक भी शेयर किया है, लोग लाइक करना पसंद नहीं करते, है ना, पता नहीं उनको जाने क्या मेरे से मिर्ची लगी हुई है, खैर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, मुझे ठगी करनी नहीं आती, मुझे ब्लैकमेलिंग करनी नहीं आती, मैं जो बोलता हूँ फ्रंट पे बोलता हूँ। हमारे अधिवक्ता भाई हमारे लिए बहुत कुछ हैं, मेरी ज़िंदगी का मकसद हैं, मेरे आशीर्वाद हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरा सब कुछ वही है, और लोगों के सहारे से मैं आजीवित हूँ। दूसरी बात, सब लोगों से मिल के विचार विमर्श करने के बाद में मैं किसी काम को करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैंने जो आप जिस क्वेश्चन को मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने YouTube चैनल पे ना वीडियो बना रखे हैं, इसलिए बना दिए हैं क्योंकि सार्वजनिक तरीके से ना आप लोग उसका यूज कर सकें, आप फ़ायदा ले सकें। जब आपको ज़रूरत ही नहीं समझ में आ रही है तो हम भी क्या कर सकते हैं भाई, आप बच्चे तो हैं नहीं कोई जो आपको हाथ पकड़ के ले जाया जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो यार, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ समझो, है ना, हम लोग कर ही सकते हैं, दूर से बैठ के हम लोग रास्ता ही बता सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना वो पूरी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपके अधिवक्ता भाई भी उतना ही कर सकते हैं जितना वो करने लायक हैं, वो सबूत इकट्ठे करने के लिए कोर्ट के बाहर नहीं घूमेंगे आपके लिए, ये भी काम आपको ही करना है। मैंने वीडियो बनाया है, मेरा लिंक इसी पेज पे ही है, आप उसको लाइक कीजिए, उसमें 125 के रिगार्डिंग मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें आपको कैसे बचाव करना है, कैसे अबला को जेल भेजना है, कैसे अगर मजिस्ट्रेट आपको जेल कर देता है या जेल भेज देता है 30 दिन की, तो कैसे इलीगल जेलिंग हो जाती है, ये सारे वीडियो मेरे उसमें पड़े हुए हैं। जब तक आप देखेंगे नहीं किसी चीज़ को तब तक कैसे आप बेनिफिट उठाएंगे, सारी चीज़ें कानूनी दायरे में ही हैं जो मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन से गुजरी हैं। तो आप मेरा जो चैनल है ना उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए और उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और ज़्यादा हो तो 500 रुपये मुझे डाल देना खाते में, हम बाकी का कॉल पे बता देंगे, क्योंकि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मैं आपको फेसबुक लाइव पे भी आके कुछ बताऊं, वीडियो के लिए भी समय निकालूं, कॉलिंग के लिए भी समय निकालूं, व्हाट्सएप पे भी चैट करूं, तो मेरे भाई इतना मेरे पास समय नहीं है, हम एक ही जगह एंगेज हो सकते हैं। और सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे यही लगा कि यूट्यूब पर वीडियो डाल दो, अपने पेज पर शेयर कर दो, सब लोग जिसको ज़रूरत होगी वो खुद ही देख लेंगे, सो सिंपल। अब आप लोगों को हाथों में दर्द हो रहा है, नंदलाल सोनी भाई, इसमें आप जो है ना मेडिकल रिपोर्ट झूठा लगाया गया हो और उस पर RTI में कौन कौन से क्वेश्चन करें सर? अच्छा, वो डिपेंड करता है कि मेडिकल रिपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें उसने दी हैं, कौन सा हॉस्पिटल है, क्या है, कौन मैडम है, किसने ट्रीटमेंट किया, कितने दिन का ट्रीटमेंट चला, क्या डिस्चार्ज रिपोर्ट है, क्या बेड नंबर था, क्या वार्ड है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जो 1 रुपये का पर्चा कटता है वो कब काटा गया था, किसके नाम से काटा गया था, कंसर्न मेडिकल ऑफिसर कौन था जिसने ये ट्रीटमेंट किया, कितने दिन का डिस्चार्ज था, डिस्चार्ज में जो पैसा लगा नहीं लगा क्या है, गवर्नमेंट रेमेडी उसमें क्या मिली, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। और उसका OPD नंबर है ना, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, और जो आपका ज़िले का जो हॉस्पिटल होता है उसमें जो प्रथम अपीली जो होता है वो CMO होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, मुख्य चिकित्सक अधिकारी, और जो आपके मतलब कस्बे में या क्षेत्र में जो सामुदायिक केंद्र होता है उसमें जो अधीक्षक बैठता है वो आपका जनसूचना अधिकारी होता है, PIO जो होता है वो किसी हॉस्पिटल का, सरकारी हॉस्पिटल का
अधीक्षक होता है, और जो प्रथम अपीलीय अधिकारी है वो CMO होता है, मुख्य जिला चिकित्सक अधिकारी, आप उसके पास में अपील डाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप पूछ सकते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स पूछ सकते हैं, 1 रुपये का जो पर्चा काटा गया है वो पूछ सकते हैं, कौन इसको लेके आया था, कौन इसको एडमिट किया, कितने लोगों ने इसका ट्रीटमेंट किया, क्या क्या ट्रीटमेंट इसका चला, कितने दिन इसका बेड रेस्ट रहा है, क्या मेडिकल सिम्टम्स थे इसके अंदर, है ना, डिस्चार्ज रिपोर्ट आप मांग सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप OPD चैलेंज करके आप मांग सकते हैं। अगर फिर भी अगर नहीं मिलती है, RTI से आपको नहीं दी जाती है, तो जो आपकी फाइल चल रही है ना वहाँ पे भी आप उसका रेमेडी ले सकते हैं, सारे दस्तावेज आप तलब कर सकते हैं, CMO के ऊपर 349 CRPC की कार्रवाई भी करा सकते हैं अगर वो नहीं देता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अगर सही से आएंगे, सही से लड़ेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा ज़रूर। और अच्छा, प्रेम भाई अच्छी बात है। नहीं, मेरा जो चैनल जो है ना उसको आप लाइक कीजिए, उसमें कभी कभार क्या होता है कि देखो मैं अनजान कॉल नहीं उठाता हूँ, मेरी प्राइवेसी भाई, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं यार, मुझे कुछ हो जाएगा तो फिर वो बच्चों का क्या होगा, वो तो सली बैठी हुई है वहाँ पे, उसको तो कोई परवाह नहीं है, वो तो कहानी ख़त्म हो चुकी है। हाँ, जहाँ भी बनाया गया मैंने बता दिया आपको, एक बार दोबारा फिर से वीडियो देख लेना। और वैसे एक चीज़ बताऊँ कि गवर्नमेंट का जो मेडिकल होता है ना उसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता है। उसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता है। कोई बात नहीं, आप जितना RTI का यूज कर सकते हैं उतना RTI का यूज कीजिए। आप जितना RTI का यूज कर सकते हैं उतना आप करिए। लेकिन RTI के भी कुछ रूल्स हैं, उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी कभार बैकफायर भी कर जाती है। अगर लोगों को पॉजिटिविटी पढ़नी है तो नेगेटिविटी सबसे पहले पढ़नी चाहिए कि हमारे साथ गलत क्या हो सकता है। अगर हम इस चाल को चलेंगे या इस तरीके से अगर आगे कदम बढ़ाएंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है, तो आप उसी हिसाब से। और ये मैटर बिल्कुल नहीं करता कि वो RTI से दे या ना दे, और भगवान उसको सद्बुद्धि दे कि जिस अधिकारी से आप RTI मांग रहे हैं वो अधिकारी RTI ना दे, समझ रहे हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि जो हिम्मत है वो अपनी बरकरार रखो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी किसी भी तरीके से, और आगे मूव करते रहिए। और ज़िंदगी बहुत पड़ी है मेरे भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। और बाकी का देखो, अगर उसको आना ही होता, आपके साथ रहना ही होता, तो यार बड़ी सिंपल सी बात है कि वो क्यों मुकदमे करती है। मैं एक बात जानता हूँ, अगर पति से कोई भी महिला 6 महीने के लिए अगर अलग है, 6 महीने से अलग है, उसके चेहरे पे अगर झुर्रियाँ बन जाती हैं तो ठीक है। अगर उसके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं है ना, तो इसका मतलब साफ है ना कि वो कहीं ना कहीं सर्वगुण संपन्न है। आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शादी ब्याह का जो रिश्ता है ना, बहुत उम्मीद विश्वास का रिश्ता है, ठीक है। 6 महीने का 3 महीने में तेल निकल जाता है, अच्छे अच्छों का चेहरे पे दिखने लगता है,
अगर महिला के चेहरे पे अगर नहीं दिख रहा है ना, तो ऐसे समझिए कि वो कहीं ना कहीं सद्गुण संपन्न है, वो मिस कॉल मार के ही खुश है, समझ रहे हैं। तो उसके पीछे मत भागिए, उसके लिए ऊपर वाला बैठा है। कोर्ट में उनको सजा क्यों नहीं मिलती है, उनके लिए कानून क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है उनके लिए कानून, इसलिए सब उनको देख के रहम खा जाते हैं कि भाई इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करें। मालूम है क्यों? इसलिए क्योंकि उनको पता है कि ये ऐसी पापन है, ऐसी झूठी मक्कार है ना, इसके लिए क्या गंदी कलम करना, क्या इसके लिए कलम से लिखना है ना, उसके लिए तो सजा ऊपर वाले ने तय कर रखी है। इसलिए कोई कोर्ट कचहरी, थाना अदालत, कोई अधिकारी है ना, उसके खिलाफ इतनी जल्दी नहीं जाता है। उनको पता है क्योंकि झूठी है, मक्कार है ये, कि वैसे भी बहुत सारे पाप किए बैठी है, अपने हाथ से क्यों पाप करो। उनको पता है कि हम कुछ भी इसके हाथ में फैसला भले ही कर दें, लेकिन ऊपर वाले का जो फैसला होता है ना, वो जरूर उसके खिलाफ जाएगा एक ना एक दिन, समझ रहे हैं। तो इसलिए हर चीज को पॉजिटिविटी की तरह लें, पॉजिटिव होकर लें। और मुझे दुख इस बात का है कि कुछ भाई लोग जो है ना, समझने को तैयार ही नहीं रहते हैं। आज वो चाहे कितने भी डिप्रेशन में हो, मैं एक चीज़ में बताऊं आपको एग्जांपल के तौर पर, कि वो कितने भी रो रहे हों, कितना भी परेशान हो, उनके पास में कोई महिला है ना, अगर कोई मिस कॉल भी मार देना, तो वो भाई साहब उसको मतलब अलग से, अलग नज़र से देखने लगेंगे, लट्टू हो जाएंगे उसके ऊपर। ये चीज़ें हैं ना, उनको मजबूती दे रही हैं। वो चीज़ जानती हैं कि एक तो कानून हमारे फेवर में है, यहाँ से वो पक्की हैं 100%, ठीक है। वो दूसरी चीज़ ये जानती है ना कि ये जो पुरुष नाम का आदमी है ना, ये पुरुष पुरुष जो चिल्लाते हैं, ठीक है, ये इतना कमज़ोर है ना कि अगर हम लिपस्टिक भी अगर लाल कर लेंगे ना, जहाँ ओठ मैंने दोनों तरफ घुमा ली है, तो ये हमारे पिघल जाएगा हमारे लिए, कितना भी हम गलत क्यों ना करते। तो दो चीज़ों से ना वो इनसियोर हैं, बहुत अच्छी तरीके से इनसियोर हैं, और इसका फ़ायदा हमेशा वो उठाने की कोशिश करती हैं। इसलिए थोड़ा सा इनसे जब तक आप सुधरेंगे नहीं, अभी मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे कि भैया फैमिली मैटर चल रहे हैं, लड़कियों ने मिस कॉल कर दी है, आई लव यू बोलने लगी, बाद में ट्रैप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मार बवाल, है ना, इस तरीके की बातें हैं, फंस गए हैं, रो रहे हैं, जेल जा रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे ऐसे मैटर है ना, बीवियों को गायब कर दिया लोगों ने, यानी कहाँ कहाँ से पता नहीं, यानी दुनियादारी है, आते हैं कॉल, समझ में नहीं आता कि भाई ये सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये अपने आप को बचा रहा है या फंसा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता उसका, है ना, उसका खुद नहीं उसको पता है। लड़कियों की तरह तो रोता है फ़ोन कर करके, तो भैया थोड़ा सा हम भी रो लेते हैं, हम भी सोच जाते हैं पीछे कि यार हम भी तो रोए थे। यार कैसी बातें करते हो, मर्दों वाली बात करो ना यार, हैं, मतलब एक लड़की ने मिस कॉल मार दी, तुम परेशान हो गए, रोने लगे, घंटे घंटे भर रो रहे हो, यहाँ जाने कितनी उतर गई, कितनी चली गई, है ना, कभी दुखी नहीं हुआ। 3री है ये, और कुछ नहीं हुआ है अभी तक, और ना होगा। ये भी गलत चलेंगी ना, इनका भी रास्ता साफ हो जाएगा, ठीक है। मरने के लिए तो नहीं पैदा हुए हैं यार हम लोग, हम लोगों ने भी उन्हीं माँ से जन्म लिया ना जहाँ से इन लोगों ने लिया। जब तक खुद को नहीं सुधारोगे ना, जब तक कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, ठीक है, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं महात्मा यहाँ पे।